ओम शांति। हमेशा याद रखें कि यदि हमने अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ा ही लिया है और अब यदि सफलता नहीं मिल रही है तो प्लीज़ आप पीछे कदम ना लेकर आए, आगे ही बढ़ते रहें, क्योंकि यदि पीछे आ गए तो फिर से उस डिस्टेंस को पूरा करने में हमें उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी मेहनत करके हम मंजिल तक पहुंच चुके होते। जी हाँ, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सदा आगे बढ़ते रहें। चरैवेति चरैवेति, कभी ना रुके, कभी ना थके, हिम्मत और विश्वास बनाए रखें और अपने मंजिल की ओर अपने कदम आगे बढ़ाते रहें। एक समय की बात है, एक राजा था और वो राजा अपने राज्य में खुशियों के साथ रहता था। राज्य बहुत बड़ा नहीं था, छोटा था, परंतु अचानक से एक बड़े राजा ने आक्रमण कर दिया। युद्ध शुरू हो गया और इनकी सेना काफ़ी छोटी थी और उस राजा की सेना बहुत बड़ी थी। राजा वो तो जो बड़ा राजा था जिसने आक्रमण किया था वो यही चाह रहा था कि ये राज्य भी हमारे कब्जे में आ जाए, फिर हम और बड़े राजा बन जाएंगे। हाँ जी, परंतु हुआ क्या पता है? राजा जिस सोच के साथ में युद्ध कर रहा था वो सोच उसकी सफल नहीं हो पाई, क्योंकि ये जो छोटे राज्य का राजा था ये काफ़ी सकारात्मक था। ये युद्ध हार तो रहे थे, इनकी सैनिकों की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही थी, परंतु राजा का उत्साह, राजा का विश्वास, राजा का सकारात्मक सोच का एक नज़रिया, या कहें हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड, वो ख़त्म ना हुआ। जब सब कुछ चला जा रहा था उसी क्षण राजा ने अपने मुट्ठी भर सैनिकों और सेनापति से कहा कि देखो, कल युद्ध होगा और अब हमारी जीत पक्का है, हम जीतेंगे ज़रूर। सैनिकों के लिए बड़ा आश्चर्य था, क्योंकि सैनिक मात्र मुट्ठी भर बच पाए थे, एक छोटी टुकड़ी थी उस सेना के काफ़ी काम के। यदि हम बात करें जो एक बड़ी सेना है उसके सामने ये बहुत छोटी थी। और सेनापति को भी यही लगा कि राजा, लगता है ये हमारी हार होती जा रही है तो इनके अंदर कोई मानसिक असंतुलन आ गया है, इस वजह से ये ऐसी बातें कर रहे हैं। सैनिकों के लिए और सेनापति के लिए कल के युद्ध को जीत पाना बिल्कुल असंभव था, वो मान चुके थे कि हम युद्ध नहीं जीत सकते हैं। पर राजा बहुत आशावादी था और उन्होंने कहा कि हम जरूर जीत कर रहेंगे। अब ये सुबह हुई, युद्ध स्थल में जाने लगे, एक बड़ा सा मंदिर था, वहाँ इनकी सारी सेना रुकी। राजा ने कहा, आइए हम ईश्वर से आशीर्वाद लेते हैं, और ईश्वर के सामने खड़े होकर के एक सिक्का निकाला राजा ने और कहा कि यदि इस सिक्के को हम उछालेंगे और यदि ऊपर वाला हिस्से पर हेड आ गया तो समझ लेना हमारी जीत पक्का है और हम जीत जाएंगे, यही कि यही फैसला हो जाएगा कि हम हारने वाले हैं या जीतने वाले हैं। सारे सैनिक और सेनापति आश्चर्य में देखने लगे। राजा ने सिक्का उछाला और जैसे ही सिक्का उछाला उसी समय ऊपर का हिस्सा हेड आ गया और सभी सैनिक और सेनापति बहुत प्रसन्न हो गए, खुश होकर के उछलने लगे। सभी उत्साह में आकर के बिल्कुल बीसों नाखूनों का जोर लगाकर युद्ध करने लगे। सचमुच शाम होते ही परिणाम निकल कर आया कि इस मुट्ठी भर सेना ने, इस टुकड़ी भर सेना ने युद्ध को जीत लिया, राजा विजयी हुआ। छोटा था पर बड़े राज्य के राजा को हरा दिया। अब ये अपनी खुशी का जश्न मनाने लगे। तभी सैनिकों और सेनापति ने कहा कि हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, हमको विश्वास हो गया कि भाग्य भी कुछ मायने रखता है, इसीलिए हमें विश्वास करना चाहिए, यदि वो हेड ना आता तो हम लोग कहाँ जीत पाते। राजा ने उन सभी से कहा, अरे मैं तो बस तुम्हें उत्साह दिलाने के लिए स्कीम अपनाई थी, बाकी उस सिक्के में तो दोनों तलों पर हेड ही था,
वहाँ पर तेल नहीं था, परंतु आपको उत्साह और उमंग आ जाए और आप कर्मों की तरफ बढ़ें, इसलिए मैंने ये दोनों तरफ हेड वाला सिक्का उछाला था। आप लोगों को लगा कि यहाँ तो हेड आया है, पर ऐसी कोई बात नहीं है। हेड नहीं, ये सिक्के में दोनों तरफ ही हेड डला हुआ है। तो सभी लोगों ने बोला ओ, और सभी को समझ में आ गया कि भाग्य तो भाग्य होता है, पर सबसे पहले हमें कर्म करना चाहिए। यदि हम पूरी आस्था विश्वास के साथ में कर्म करते हैं तो हमारा भाग्य तो अच्छा बन ही जाता है, भले ही वो भाग्य बिगड़ा हुआ भी क्यों ना हो। जी हाँ, भाग्य बिगड़ा है तो उसको सही कर्मों के द्वारा हम सुधार सकते हैं। आइए कर्मों के ऊपर विश्वास करें और अपने भाग्य को परिवर्तित करें। ओम शांति।